फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है और अब हमें कपड़े की चौड़ाई नापनी है। तो ये देखिए, मैंने 10.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क किया हुआ है और लंबाई 14 इंच ली हुई है। शोल्डर यहाँ 5 इंच लिया है और आर्म होल 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है बॉक्स बना करके। 1.5 इंच की गोलाई देनी है हमें इस तरह से। अब चेस्ट के लिए हमें 8 इंच पर मार्क करना है, प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ 2 इंच लिया है और गले की लंबाई मैंने 9 इंच लिया हुआ है। इस तरह से राउंड करना है, गले का सेप देना है फ्रेंड्स। और अब कमर के लिए मार्क करना है, तो यहाँ 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क किया है मैंने, प्लस 1 इंच टक्स के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से दोनों निशानों को जॉइंट कर लिया है और कपड़े की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कट किया हुआ है फ्रेंड्स। और अब हमें बैक साइड को उठा करके फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को अच्छे से बैठा लिया है और अब हमें हुक पट्टी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से मैंने देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है और कपड़े के चारों तरफ निशान लगाया हुआ है मैंने। इस तरह से कपड़े के चारों तरफ निशान लगा लेना है आपको। और अब फ्रंट साइड की लंबाई लेनी है, तो इस तरह से बॉक्स बना करके हल्का राउंड किया हुआ है। आर्म होल के लिए 1/2 इंच का शेप दिया है मैंने। और अब हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाया है मैंने गले की साइड, और आर्म होल की साइड मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और इस तरह से दोनों निशानों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है। और अब हमें कटोरी के लिए निशान लगाना है, तो 5 इंच पर मैंने निशान लगाया हुआ है, गले के पास से 1/2 इंच पर निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को कटोरी का शेप देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कटोरी का शेप देना है। और अब हमें बेल्ट के साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम बेल्ट के नीचे फोल्ड करते हैं कपड़े को। और अब हमें कपड़े को कट करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है, तो सबसे पहले हमें कपड़े के ऊपर कटोरी को रखना है और कटोरी के दोनों साइड से हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से दोनों साइड 1-1 इंच बढ़ाना है हमें और नीचे साइड 1.5 इंच बढ़ाना है और इस तरह से लाइन खींचना है। गले के पास हमें 1/2 इंच लेना है, ये देखिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच लेना है और हल्के हाथों से इस तरह से मिला देना है। अब हमें कटोरी के बीचों बीच 3 इंच ऊपर तक एक लाइन खींचना है और 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड हमें टक्स देना है।
तो टोटल टक्स हमारा 2 इंच का हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी स्लीव्स की लंबाई मैंने 4.5 इंच लिया हुआ है, लंबाई मैंने 9 इंच ली है, गोलाई 1.5 इंच मैंने इस तरह से ऊपर की लाइन खींची हुई है और 2.5 इंच की गहराई दी है मैंने स्लीव्स की। और इस तरह से स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स की गोलाई 5 इंच है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।